हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम सोचते हैं इसे आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तो वही काम हम लोग के काफ़ी देर से होते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे आप अपने लिए समय और पैसा दोनों बचा सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर जार को ले करके है। वैसे तो जार का यूज़ हम लोग हमेशा किचन में करते हैं, लेकिन यूज़ करते करते जो जार का ढक्कन होता है ना, वो लूज़ हो जाता है, अच्छी तरह टाइटली इसमें फिट नहीं होता है। कोई चीज़ हम लोग पीसते हैं तो पीसते पीसते या तो ढक्कन दूर गिर जाता है, नॉर्मली ऐसे रखते हैं तभी ढक्कन निकल जाता है, तो उसको टाइट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर ले लिया है मैंने बैलून। बैलून सभी के घर में इजिली मिल जाता है। अगर आपके पास बैलून नहीं है तो आप मोटी वाली जो रबड़ बैंड होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बैलून आपको ले लेना है और आपको इस तरह से कट कर लेना है। ऊपरी पोर्शन आपको कट करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा और चौड़ा कट करना है ताकि ये ईजिली जार के ढक्कन में आ जाए। बहुत पतला मत कट करिएगा जिससे ये बहुत ही अच्छे से फिक्स नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बैलून को कट करने के बाद आपको ढक्कन में इस तरह से लगा देना है, ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसको लगाने के बाद जो काम करने में हम लोग को टाइम लगता था, ढक्कन बार बार निकल जाता था, लेकिन जब आप इस तरह से बैलून को फिक्स करेंगी ना और जार में जब इसको लगाएंगी तो बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा, टाइटली बंद भी होगा और बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। तो यहां पर देखिए मैंने बैलून को लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से लगा करके देखना है कि ये फिक्स हो रहा है कि नहीं। पहले जब मैंने आपको दिखाया था ढक्कन ज्यादा लूज था, बार बार निकल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने रबड़ बैंड लगाया तो ये टाइट होने लगा। आप आराम से कोई भी चीज इसमें पीसेंगी तो ये जल्दी खुलेगा नहीं, ना ही आपको इसको ज्यादा दबा करके रखना है। बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर, इस तरह से जो कैसरोल होता है उसका यूज हम लोग किचन में क्या करते हैं, कभी रोटी रखते हैं, बहुत से लोग चावल है, सब्जी है, इन चीजों को बंद करके रखते हैं ताकि काफी देर तक गर्म रहे। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद इस कैसरोल से अजीब सी स्मेल आने लगती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको हम लोग कुछ ही मिनटों में कैसे दूर कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है माचिस। माचिस लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसको जला लेना है। तो दो तीलियां मैंने ले ली है, आपके पास अगर बड़ा हो तो तीन तीलियां ले सकती हैं। दो तीलियां आप जलती हुई इस तरह से आपको जार में डाल देना है। तो जार में जैसे ही आप डालेंगे आपको तुरंत ढक्कन को बंद कर देना है, तो जो जलती हुई तीली है तो क्या होगा, अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ढक्कन बंद कर दिया, बंद करने के बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है तो माचिस की तीली अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन उसका जो धुआं निकलता है ना वो पूरे डब्बे में फैल जाएगा। कैसरोल में फैलने के बाद जो भी बैड स्मेल है ना वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। 10 मिनट बाद यहाँ पर देखिए मैंने खोला है, थोड़ा सा धुआं और था तो मैंने इसको तुरंत बंद कर दिया है। करीबन आप 10 मिनट के लिए इसको ज़रूर छोड़िएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ढक्कन को खोला है, जो माचिस की तीलियां जली हुई हैं आप उसको बाहर फेंक दीजिए। आप देखिएगा कितनी कम ही समय में जो भी स्मेल आ रही थी, जो अच्छी नहीं लग रही थी, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे गीला कागज़ करके रखें, लेकिन उसको करीबन 6 से 7 घंटे चाहिए, लेकिन इस तरह माचिस को जलाकर आप डालेंगे तो पूरी तरह से बैड स्मेल गायब हो जाएगी। यूजफुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप है, जब भी हम लोग चाय पत्ती लेकर के आते हैं नॉर्मली डब्बे में इस तरह से रख लेते हैं और यूज़ करने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जिस भी बॉक्स में रखती हैं उसमें ना रख करके इस तरह से आपको छान लेना है। छानने पर देखिए इसका बहुत महीन महीन पाउडर निकलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप इस तरह से पहले इसका पाउडर अलग कर लीजिए, उसके बाद चाय पत्ती आप भर के इंजॉय कीजिए। तो जो पाउडर रखा है इसको हम लोग ऐसे उठा करके नहीं फेंकेंगे, इसके दो यूज हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने घर में कर सकते हैं। तो इस पाउडर को निकालने के बाद आपको एक काम करना है, इसको किसी कटोरी में ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला यूज है, जो घर में झाड़ू होती है हम लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि झाड़ू हर जगह हम लोग झाड़ते हैं, कभी पानी में भी लगती है, अच्छे से हम लोग धुलते नहीं है, बरसात का मौसम भी आ गया है तो झाड़ू धुल नहीं सकते, तो इसकी क्लीनिंग कैसे की जाए? तो इसकी क्लीनिंग के लिए, इसकी बैड स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चाय पत्ती का पाउडर निकला है ना उसको हम लोग ऐसे ना उठा करके फेंक के इसको अच्छे से झाड़ू की क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। आपको झाड़ू को थोड़ा सा फैलाना है, इस तरह से चाय पत्ती को इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए चाय पत्ती मैंने डाल दी, उसके बाद आपको ले लेना है करीबन आधा चम्मच बेकिंग सोडा, उसको भी आपको डाल देना है, और उसके बाद लेना है
आपको जो हम लोग किचन में नमक यूज़ करते हैं आप उसको भी एक चम्मच ले लीजिए और इस तरह से झाड़ू में डाल दीजिए। आप लोग सोच रहे हैं इसका क्या यूज़ है, लेकिन आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि देखिए झाड़ू हम लोग के पूरे घर की सफाई रखती है, तो हम लोग को भी झाड़ू को बहुत ही अच्छे से क्लीन रखना होता है। बरसात का मौसम चल रहा है, झाड़ू अगर धोएंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जल्दी सूखेगी नहीं। अगर झाड़ू नॉर्मली हम लोग ऐसे भी करते हैं तो इसमें काफ़ी नमी आ जाती है और बैड स्मेल भी आती है। बस आपको हल्का हल्का सा रगड़ना है, जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी बैड स्मेल होगी पूरी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करें सारी जितनी भी बैड स्मेल निकालने में बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चाय पत्ती, नमक और ये सोडा निकला हुआ है आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। आप इसको उठा करके फेंके नहीं, आप इसको अपने पौधों में डाल दीजिए, जिससे मिट्टी बहुत अच्छी से उपजाऊ होगी और पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसको अच्छे से अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब हम लोग की झाड़ी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, इस तरह से झाड़ू को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप मेरी यहाँ पर पानी को लेकर के, वैसे तो पानी नॉर्मली हम लोग पीते हैं, लेकिन मौसम ऐसा चल रहा है कि सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेनी है चाकू। तो चाकू का यूज़ हम लोग सब्जी काटने में करते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को काटेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह से पानी को ले लेना है और गिलास में करीबन 6-7 बार चलाना है। आप सोच रहे हैं आखिर इसको पानी में क्यों चलाना है। जब भी मौसम चेंज होता है तो बहुत से लोगों को गले में प्रॉब्लम होती है, कभी दर्द होता है, गटकने में प्रॉब्लम होती है, खसखस होती है, जिसके कारण वो दवाई ला करके उसे खाते हैं। लेकिन आप एक बार इस नुस्खे को ट्राई करके देखिएगा। आपको एक गिलास पानी लेना है, 6-7 बार चाकू से इस तरह से कट करना है। ये दादी नानी के नुस्खे हैं, पुराने ज़माने में इस तरह में जब गले में दर्द होता था ना, तो इस तरह का ट्रिक का यूज़ करते थे, जिससे एक ही दो दिन में गला हम लोग का ठीक हो जाता था, कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपके भी दर्द है गले में या कोई प्रॉब्लम है, खसखसाहट है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा। बस इस तरह से आपको 6-7 बार पानी को काटना है और इसको पी लेना है। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया और ये बहुत ही जल्दी कारगर भी है और बहुत ही काम की भी है। यहीं पे अपनी वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।